ये देखें मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और इसमें मेरी बेबी की एफ कितनी आई है आपको दिखाती हूँ मेरी ये रिपोर्ट तीन महीने के बाद जो अल्ट्रासाउंड पहला होता है वो वाली रिपोर्ट है और इसमें बेबी की एफ 167 आर गई है और आगे दिखाती हूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी बहुत टाइम से कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि मैम अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप शेयर करें दिखाएं आपके बेबी की क्या हार्ट रेट है प्लेसेंटा पोजीशन क्या है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं अपनी रिपोर्ट शेयर करूं सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं आज क्लियर करूँगी बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगी तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में वीडियो को लाइक करें तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो शेयर करती हूँ मैं अपनी तीनों टेमेस्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तो ये मेरे देखिए जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तीन महीने के बाद यानी कि चौथा महीना स्टार्ट होता है वो वाली ये रिपोर्ट है और इसमें ना मेरे बेबी की हार्ट रेट फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में 167 सिक्सटी गई है और ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फोटोकॉपी है एक्चुअली मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वहाँ ना बिल आ, मतलब जो हॉस्पिटल का सारा बिल होता है मिल जाता है तो वो ना ओरिजिनल जमा कर लेते हैं फिर ये फोटोकॉपी रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं वही शेयर करूँ तो ये है दूसरा अल्ट्रासाउंड जो मेरा हुआ था आई थिंक सो सातवें महीने में आ, मैं दिखा देती हूँ 22 वीक 5 डेज का ये अल्ट्रासाउंड है 10 छः 2021 को करवाया था ये और नहीं 10 छः 2021 ये एल है जो पीरियड्स टाइम लिखा जाता है वो है एंडिंग डेट मुझे देखिए लिखा हुआ है यहाँ बारह मार्च का दिया गया है और इसमें मेरी बेबी की हार्ट रेट वन फोर्टी गई है ये देखिए 167 आई थी फर्स्ट में सेकंड में 148 बीपीएम गई है और मेरा प्लेसेंटा पोजीशन क्या था मैं वो भी दिखाती हूँ आपको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे प्लेसेंटा को लेकर भी मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि प्लेसेंटा एक्चुअल में है क्या इसका काम क्या होता है तो आपको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आज सिर्फ मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट ही शेयर करती हूँ और इसमें प्लेसेंटा यहाँ लिखा हुआ है एक मिनट ये देखिए ये लिखा है प्लेसेंटा अब इसमें बहुत सारे लिखे होती हैं बातें जो कि हमें भी नहीं पता होता एक्चुअल में है क्या बट एफ एच आर और प्लेसेंटा के बारे में पता है तो प्लेसेंटा की पोजीशन यहाँ पे देखिए लिखी हुई प्लेसेंटा इज अ पोस्टीरियल अपर नॉट लेंग तो इसमें देखिए नॉट लो लेंग है प्लेसेंटा अपर पोजिशन बताइए प्लेसेंटा की पोजीशन पोस्टेरियल अपर आई है ये देखिए बहुत सारे महिलाओं का कहना होता है कि अगर पोस्टीरियर एंटीरियल है तो वो भी बॉय होगा और पोस्टीरियल है तो बेबी गर्ल होगा तो देखिए मेरे दोनों ही उसमें पोस्टेरियल गए हैं और इसमें देखिए हार्ट रेट 148 गई है बोला जाता है 140 फोर्टी पे बेबी बॉय होता है 140 फोर्टी से अबव बेबी गर्ल तो आपके सामने ही है रिपोर्ट और पाँच मार्च को मेरा बेटा एक साल का हो गया है आपको मैंने फोटोज़ भी शेयर की थी अपने चैनल पर और ये है जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद डिटेल्स दी जाती है ना पीछे वही लिखा हुआ है डॉक्टर के बारे में डॉक्टर ने जो लिख आ, रिपोर्ट के बारे में लिखा होता है हमें भी नहीं पता क्या है यार बस मैं आपसे रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ ये लास्ट है जो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है पैंतीस वीक्स फोर डे का आ, मतलब आई थिंक सो आठवें महीने में हुआ था मुझे अब याद नहीं है क्योंकि एक साल हो गया है और इसमें मेरे बेटे की हार्ट रेट वन गई है देखिए पहले वन फोर्टी हो गई थी और लास्ट वाले में वन गई है और इसमें प्लेसेंटा मेरा पोस्टेरियल है ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है और अब ये जो मानना है ना कि एंटीरियर होता है बेबी बॉय होता है पोस्टेरियल तो बेबी गर्ल तो मेरे केस में तो पोस्टेरियल गया है और इस लक्षण को मैं अपने केस में सटीक मानती हूँ कि पोस्टेरियल पे बेबी बॉय होता है क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के केस में हुआ है कि पोस्टेरियल पे उन्हें बेबी बॉय हुआ है तो उनको इस चीज़ पे ट्रस्ट हो जाता है कि पोस्टेरियल पे बॉय होता है एंटेरियर पे गर्ल होती है बाकी सबके हारमोन अलग होते हैं गाइज़ और मुझे यहाँ पे एंडिंग डेट पाँचीस मार्च 2022 दी गई थी और मेरा बेटा पाँच मार्च चार मार्च को ही हो गया था तो जल्दी हो गया था क्योंकि मेरी अच्छी डाइट थी मुझे कमेंट करना मैं अपनी डाइट आपके साथ शेयर करूँगी कौन से एक्सरसाइज करती थी वो शेयर करूँगी और नॉर्मल मेरी डिलीवरी हुई है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम आपकी डिलीवरी कैसे हुई है ऑपरेशन से या नॉर्मल तो मेरी तीन मेरी दोनों ही डिलीवरी नॉर्मल हुई है और मैं क्या करती थी क्या खाती थी मुझे अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए ना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मैं सारा कुछ शेयर करूंगी तो ये अल्ट्रासाउंड की फोटोस कॉपी है क्योंकि क्या होता है ना ओरिजिनल मेरे हस्बैंड के ऑफिस में डिपॉजिट हो गए थे तभी जो बिल का वो सारा पे मिलता है ना तभी मिलता है ओरिजिनल वो सबमिट कर लेते हैं तो फोटो कापी रखी हुई थी मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि मैम अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट शेयर करें शेयर करें तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूं अब मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूं कि को किस तरीके से आप मानते हो कि 140 से अगर अब आती है कि उनको बेबी बॉय होता है तो देखिए मेरा ये चैनल पहली बात लिंग में भेदभाव करने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है ना ही मैं इस चीज़ को बढ़ावा देती हूँ सिर्फ इस वीडियो के थ्रू ना मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपने व्यूअर्स के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और कुछ नहीं देखिए बेटा हो या बेटी माँ बाप का सिर्फ यही एक सोच होनी चाहिए कि बच्चा हमारा हेल्दी हो नॉर्मल डिलीवरी हो प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए आपने हेल्दी फूड खाने हैं और अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी भरपूर पूर मात्रा में पीना चाहिए अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो बेबी के लिए भी यह अनहेल्दी है साथ में आपकी बॉडी के लिए भी यह बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी डाइट का अच्छे से प्रॉपर पूरा टेक केयर करना है कि डाइट में कोई कमी ना हो अब जो बोला जाता है प्लेसेंटा की पोजीशन से तो आपने देखा मेरा पोस्टीरियल ही गया है मेरे बड़े बेटे की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस करके मैं सोचा कि आपसे अपने पहले बेटे छोटे बेटे की शेयर करती हूँ उसके बाद बड़े बेटे की शेयर करती हूँ तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देखे सिर्फ डॉक्टर ही आइडिया लगा सकते हैं कि बेटा है या बेटी हमें नहीं पता लग सकता और इसे देखिए पता करना भी इंडिया में कानूनी अपराध है ये सिर्फ बाहर ही अलाउड है आउट ऑफ कंट्रीज़ में ही अलाउड है क्योंकि क्या होता है बहुत सारी महिलाएं ना बहुत गलत काम कर देती हैं कि बेटी के साथ अगर पता लग जाता है तो है ना बहुत गलत काम है लेकिन ऐसे कई महिलाओं का क्या होता है सिर्फ जानने की इच्छा इसलिए होती है कि अगर पता लग जाए बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है तो उसी अकॉर्डिंग हम तैयारी कर लेते हैं क्योंकि कई महिलाओं को क्या होता है कि ना मेरे पास लड़का है एक लड़की हो जाए फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए बहन को भाई भाई को बहन मिल जाए तो उनका सोच ये होता है सभी महिलाओं की सोच एक जैसी नहीं होती है इसलिए अपनी सोच को बदलो यार चाहे लड़का हो लड़की उनकी एजुकेशन पर ध्यान दो अच्छे संस्कार दो यही एक माता पिता का फ़र्ज़ होना चाहिए तो मैंने आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है कि प्लेसेंटा या एफ एच आर से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय एफ एच आर क्या होता है बेबी देखिए जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना बेबी की क्या होती है ग्रोथ होती है उस टाइम पे तो इस करके जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे उसमें बेबी की हार्ट रेट ज़्यादा ही आएगी ठीक है बेबी की हार्ट रेट उसमें कम नहीं आएगी जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंट करता है तो उसकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाती है देखिए मेरे पहले अल्ट्रासाउंड में कितनी ज़्यादा आई थी वन सिक्सटी एट सेकेंड में वन फोर्टी एट आई थी वो डिपेंड करता है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है बेबी की पोजीशन क्या है बेबी सो रहा है या जाग रहा है उस तरीके से उसकी हार्ट रेट आती है और ये सिर्फ एक बहुत सारी महिलाओं की मनगहन बातें होती है कि एफ से हम पता लगा सकते हैं बेबी गर्ल है या बेबी बॉय ये सिर्फ एक गॉड गिफ्ट है जो कि आपको टिल नाइन मंथ्स के बाद मिल ही जाना है इसलिए नाइन मंथ्स को बेफालतू में ख़राब मत करें सिर्फ इन्जॉय करें प्रेगनेंसी को और बेटा बेटी में जो भेदभाव करने के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं कि हाँ ये लड़का है या लड़की है ये सब मत करो यार सिर्फ इन्जॉय करो अपनी प्रेगनेंसी और जो आपको परमात्मा देता है ना उसका शुक्रिया करो और उसी में आप खुश रहो हम एफ एच आर या प्लेसेंटा के पोजीशन से नहीं आइडिया लगा सकते कि लड़का है या लड़की तो इसको सिर्फ सीक्रेट रहने दो भगवान के ऊपर ही छोड़ दो क्योंकि नौ महीने के बाद तो सीक्रेट आपको भी पता लग ही जाना है कि आपको गॉड गिफ्ट क्या दे रहा है लड़का या लड़की जो भी दे उसको खुशी से एक्सेप्ट करो और कोशिश करो कि उसको अच्छे संस्कार दो ताकि आने वाला फ्यूचर बच्चों से ही है अगर बच्चे की संस्कार अच्छे होंगे तो उनका फ्यूचर तो ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा आपका एक लाइक बहुत सारी मोटिवेशन देता है तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब सारा जूस पूजिए हेल्दी फूड खाइए तो चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो में बाय टेक केयर